हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी ए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी. सो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट. सो फॉरेन एक्सचेंज रेट की क्या नीड है, क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट? जब भी इंडिया किसी दूसरी कंट्री के साथ इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट, दैट इज़ ट्रेडिंग करती है, तो उस ट्रेडिंग के अंदर कौन सी करेंसी यूज़ की जाएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर सपोज़ इंडिया US के साथ ट्रेडिंग कर रही है, सपोज़ इंडिया ने US को एक्सपोर्ट किया, मतलब इंडिया ने US को कोई गुड्स बेचे, राइट? तो यहाँ पे इंडिया ने गुड्स बेचे और इंडिया को सामने क्या मिलेगा? मनी. हम अभी यहाँ पे खाली मनी बोलेंगे. अब इंडिया को ये जो मनी मिलेगा वो किस टर्म्स में मिलेगा? रुपीज़ में मिलेगा या डॉलर में मिलेगा? रुपीज़ में मिलेगा तो कितना रुपीज़ मिलना चाहिए, डॉलर में मिलेगा तो कितना डॉलर मिलना चाहिए. सो फर्स्ट हमें डिटरमाइन करना है कि रुपीज़ में मिलेगा या डॉलर में मिलेगा. सेकंड हम ये डिटरमाइन करेंगे कि किस तरीके से हम मनी को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे या किस तरीके से हम डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे. कन्वर्जन ऑफ मनी फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर करेंसी इज़ नोन एज एक्सचेंज रेट. जब हम हमारे रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं या फिर डॉलर को हम रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, जो बेस रेट लेते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट. ऑल द कंट्रीज हैव देयर ओन करेंसी. हर कंट्री की अपनी अपनी खुद की करेंसीज होती है विच आर रेडिली एक्सेप्टेबल विद इन द रिस्पेक्टिव टेरिटरीज. फॉर एग्जाम्पल इंडिया की रुपीज़ है, US की डॉलर, अमेरिका की डॉलर है और इंग्लैंड में पाउंड है. तो इस तरीके से हर कंट्री की करेंसी अलग अलग होती है और हर करेंसी की वैल्यू अलग अलग होती है. यहाँ पे एग्जांपल भी वही दिया है. सपोज़ इफ़ एन अमेरिकन फर्म एक्सपोर्ट गुड्स टू इंडिया. यहाँ पर क्या है, अमेरिकन फर्म इंडिया को गुड्स एक्सपोर्ट कर रही है, राइट? इट वुड लाइक टू रिसीव द पेमेंट इन डॉलर. जब भी सेलिंग कंट्री होती है, हम किस में, इंडिया किस में पेमेंट करेगी, रुपीज़ में पेमेंट करेगी या डॉलर में? क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ने सेल किया है तो अमेरिका क्या बोलेगी, मेरे को तो मेरी करेंसी में ही पेमेंट चाहिए. यानी अमेरिका किस में रुपीज़ मांग, किस में उसको पेमेंट चाहिएगा, डॉलर में. तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो भी सेलिंग कंट्री होती है या फिर जो भी कंट्री एक्सपोर्ट होती है उसी की करेंसी में पेमेंट किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अमेरिका ने जिस तरीके से सेल किया है, अमेरिका ने एक्सपोर्ट किया है, इंडिया को मनी देना है, तो इंडिया किस में देगी, रुपीज़ में या डॉलर में? डॉलर में, क्योंकि यहाँ पर सेल किसने किया है, अमेरिका ने. तो जिस टर्म्स में अमेरिका, जिस करेंसी में अमेरिका पेमेंट लेना चाहेगी उसी में पेमेंट किया जाएगा. यानी अमेरिका क्या बोलेगी, भाई मेरे को तो जो पेमेंट है वो डॉलर में चाहिए. इंडिया वाले के पास क्या है, रुपीज़. तो अब इंडियन को क्या करना पड़ेगा, इस अपने रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब रुपीज़ और डॉलर की वैल्यू अलग अलग है. फॉर एग्ज़ाम्पल वन डॉलर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 70 रुपीज़ है. यानी अगर आप $1 देते हो, यानी आप इंडियन रुपीज़ 70 दे रहे हो, राइट? तो अब अगर सामने वाला बोलता है कि भाई मुझे $2, मैंने जो एक्सपोर्ट किया है वो $2 का है, $2 के मैंने गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं, तो अब इस इंडियन को क्या करना पड़ेगा, ये इंडियन जाएगा बैंक में, 140 रुपीज़ देगा और $2 ले लेगा और ये $2 जाके अमेरिकन को दे देगा. क्यों 140? क्योंकि $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़, तो $2 इक्वल्स टू 7 × 2 = 14, 140 रुपीज़. तो इंडियन जाएगा बैंक के पास, इस 140 रुपीज़ को बैंक में देगा और $2 ले लेगा और $2 से उस अमेरिकन को पेमेंट कर देगा, राइट? तो ये होती है एक्सचेंज रेट. एक करेंसी दूसरी करेंसी में किस रेट पर एक्सचेंज हो रही है उसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट. यहाँ पर एक सपोज़ जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम एक जो दूसरी करेंसी होती है उसको हम कमोडिटी भी मान सकते हैं. जैसा मैं बोल सकती हूँ कि भाई $1 में कितने रुपीज़ आएंगे. मैं इंडियन के पास गई और मैंने बोला लो मेरा $1, आप $1 के बदले में मुझे कितने रुपीज़ दोगे. जैसा अपन बोलते हैं कि $1 में कितनी चॉकलेट्स आएगी, वैसा ही कोई अमेरिकन इंडिया में आएगा और बोलेगा लो $1, आप इस $1 में मेरे को कितनी चॉकलेट्स दोगे. तो वो क्या बोलेगा, भाई हमारे यहाँ पर $1 का जो भाव है वो है 70 रुपीज़. यानी $1 में मैं आपको 70 रुपीज़ दूंगा. तो क्या हम यहाँ पर रुपीज़ को एक गुड्स, एक कमोडिटी की तरह देख सकते हैं? आंसर इज़ येस.
ये अभी मैंने क्यों ये चीज़ बोली है, आगे हम जब ये चीज़ समझेंगे तो हमें इस एग्जाम्पल को लेके हमें आगे और चीज़ें क्लियर होगी। नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि अभी मैंने बोल दिया कि $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज़, तो क्या लाइफ टाइम ये 70 रुपीज़ ही रहेगा? क्या आप चॉकलेट खरीदने जाते हो या क्लोथ्स खरीदने जाते हो तो उन क्लोथ्स की वैल्यू पूरी लाइफ टाइम सेम होती है? नहीं। वैसे ही यहाँ पर $1 में क्या पूरी लाइफ टाइम 70 रुपीज़ मिलेंगे? नहीं। ये जो रुपीज़ की वैल्यू है, ये जो डॉलर की वैल्यू है, अभी डॉलर की वैल्यू क्या है 70 रुपीज़, ये जो डॉलर की वैल्यू है वो बढ़ती या कम होती रहती है। जब डॉलर की वैल्यू कम, जब हम बोलते हैं कि हमारा करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा है, यानी हमारा करेंसी क्या है, आवर करेंसी इज़ रुपीज़, राइट। जब मैं बोलूँ मेरा करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा है, मेरे करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, यानी कि मेरे को $1 में बहुत पहले से ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। पहले हम इसका दूसरे तरीके से एग्जांपल लेते हैं, $1 इक्वल्स टू 4 चॉकलेट्स, ठीक है। यहाँ पर अब वो जो दुकानदार है, शॉप वाला है, उसने बोला कि भाई मेरी चॉकलेट्स की वैल्यू तो कम हो गई। चॉकलेट्स की वैल्यू कम हो गई का मतलब कि अब उसको $1 में ज़्यादा चॉकलेट देनी पड़ेगी, शायद 5 चॉकलेट्स देनी पड़ सकती है। क्यों उसको $1 में 5 चॉकलेट देनी पड़ रही है? क्योंकि उसकी चॉकलेट की वैल्यू कम हो गई। या फिर हो सकता है $1 में उसको 6 चॉकलेट देनी पड़े, तो यहाँ पे 6 चॉकलेट का मतलब इंक्रीज़ नहीं है, 6 चॉकलेट उसको देनी पड़ रही है, यानी उसकी चॉकलेट की वैल्यू कम हो गई, इसीलिए अब उसको $1 में ज़्यादा चॉकलेट देनी पड़ रही है। वहीं पर सपोज़ अगर इसकी चॉकलेट की वैल्यू बढ़ जाती है, इसकी चॉकलेट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत लोगों को ये बहुत टेस्टी लग रही है, तो वो क्या करेगा कि भाई मेरी चॉकलेट की इतनी ज़्यादा वैल्यू हो गई, मेरी चॉकलेट की वैल्यू बढ़ गई, तो अब $1 में मैं खाली 2 ही चॉकलेट दूंगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती है, तो यानी हमें चॉकलेट्स, जब हमारी चॉकलेट की वैल्यू कम हो रही है, यानी जब चॉकलेट डिप्रिशिएट हो रहा है, चॉकलेट की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, तो हमें $1 के सामने ज़्यादा चॉकलेट देनी पड़ रही है। सेम यही रूल हम अप्लाई करेंगे रुपीज़ में। पहले हमारे पास था $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज़, अब हमें बोला गया कि भाई डॉलर, हमारे करेंसी रुपीज़ की वैल्यू कम हो गई। रुपीज़ की वैल्यू कम हो गई मतलब कि अब $1 में मुझे ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ेंगे, राइट। तो इसीलिए $1 इक्वल्स टू 74 रुपीज़, मेरे रुपीज़ की वैल्यू कम हुई है, इसीलिए अब मेरे को कोई $1 देगा तो मेरे जो रुपए हैं, मेरे जो रुपीज़ है वो ज़्यादा जाएंगे, राइट। इसे बोलते हैं करेंसी डिप्रिसिएशन, हमारी करेंसी डिप्रिशिएट होना। अभी हम डॉलर के टर्म्स में बात नहीं कर रहे हैं कि डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है या अप्रिशिएट हो रहा है, हम किसके टर्म्स में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, हम बने बात की इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। अगर रुपीज़ डिप्रिशिएट होगा तो हमें $1 के सामने ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ेंगे। वहीं रुपीज़ अप्रिशिएट हुआ मतलब रुपीज़ की वैल्यू बढ़ गई, तो अब $1 के सामने मेरे को हो सकता है 65 रुपीज़ देने पड़े, तो इसे बोलते हैं अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, राइट। तो ये हमारा जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो यही है, करेंसी डिप्रिसिएशन एंड अप्रिसिएशन। करेंसी डिप्रिसिएशन रिफर्स टू द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक मतलब कि जहाँ की करेंसी की हम बात कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडियन करेंसी की, तो उसे हम बोलेंगे डोमेस्टिक करेंसी। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, उसे बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो रहा है मतलब कि $1 70 रुपीज़ था, अब हो गया $1 74 रुपीज़, तो करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से एक्सपोर्ट्स पे क्या होगा, यानी इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे क्या होगा? जैसे ही करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो लोग क्या चाहेंगे, चलो भाई अब $1 में हमें यहाँ पे सस्ता माल मिलेगा, तो इसीलिए इंडिया के गुड्स चीपर हो जाएंगे, रिलेटिवली चीपर होंगे, और लोग बाहर की कंट्री हमसे ज़्यादा मांगने लगेगी। यानी अगर हमारी जो डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक करेंसी अगर डेप्रिशिएट होती है तो हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे,
एग्जाम्स में आ सकता है कि डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का इफेक्ट क्या होगा एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स पे। तो अगर डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे, वहीं पे डोमेस्टिक करेंसी अगर एप्रिशिएट होती है तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो डिक्रीज होंगे। एप्रिसिएशन ऑन द अदर हैंड, व्हाट इज एप्रिसिएशन? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। सो अब अगर हमें डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का मतलब समझ में आ गया तो इसके जो डिफरेंस है वो भी हम इजीली कर सकते हैं। व्हाट इज करेंसी डेप्रिसिएशन? इट रिफर्स टू द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इन टर्म्स ऑफ फॉरेन, इट रिफर्स टू द इंक्रीज इन वैल्यू। इफेक्ट ऑफ इफेक्ट्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, करेंसी डेप्रिसिएशन एक्सपोर्ट्स पे क्या फ़र्क आएगा? अगर करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, अगर करेंसी एप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्ट डिक्रीज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, तीन टाइप की फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है। जैसा कि अभी हमने देखा कि $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज़, ये क्या है? हमारी एक्सचेंज रेट। अब ये एक्सचेंज रेट तीन तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। थ्री मेथड्स आर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम मतलब कि जहां पर गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि ये जो एक्सचेंज रेट है ये कभी $1.70 हो गया, $1.74 हो गया, गवर्नमेंट चाहती है कि इस तरीके के फ्लक्चुएशंस ना हो, तो गवर्नमेंट एक एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज कर देती है, एक रेट को फिक्स कर देती है। क्या गवर्नमेंट के हाथ में ये है? क्या गवर्नमेंट रेट्स फिक्स कर सकती है? यस, गवर्नमेंट रेट फिक्स कर सकती है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को अपने पास बहुत सारा फॉरेन करेंसी रिजर्व रखना पड़ेगा ताकि जब भी रेट्स ऊपर या नीचे जा रहे हो गवर्नमेंट उन फॉरेन करेंसी को सेल करके अपनी एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज कर सके। Under this system, each country keeps the value of its currency fixed in terms of some external standards. कुछ external standards को ध्यान में रखते हुए countries अपनी currency की value fix कर सकती है। External standards होते हैं gold, silver या कोई भी ऐसे precious metals के basis पे अपने standards को fix कर सकती है। When the value of domestic currency is tied to the value of another currency, जब अब यहाँ पर क्या होता है, country जो government है अपनी ये जो वैल्यू को करेंसी को फिक्स करती है, या तो वो दूसरे कंट्री की करेंसी को देखकर फिक्स करती है या फिर कोई गोल्ड सिल्वर या ऐसे प्रीशियस मेटल को कंसीडर करके फिक्स करती है। जब भी गवर्नमेंट कोई दूसरी कंट्री की करेंसी को बेस लेके अपने प्राइजेस फिक्स रखती है, अपने स्टैंडर्ड फिक्स रखती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने बोल दिया कि हम $1 = 70 रुपीज़, मतलब हम डॉलर को हमारा बेस प्राइस लेके हम हमारी करेंसी को फिक्स करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, पौंड है और अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी है, तो इंडिया की जो करेंसी है वो खाली एक ही करेंसी को कंसीडर करके फिक्स की जा सकती है, ना कि अलग अलग कंट्री के हिसाब से। तो जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री की करेंसी के हिसाब से अपनी करेंसी की वैल्यू फिक्स करती है तो उसे बोलते हैं पेगिंग। और वहीं पर जब एक कंट्री कोई प्रीशियस मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर या फिर ऐसे कोई प्रीशियस मेटल्स के अकॉर्डिंग अपनी करेंसी की वैल्यू फिक्स करती है तो उसे बोलते हैं पैरिटी वैल्यू, राइट? तो ये हो गया हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहां पर स्टेबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट एक एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देती है। यहाँ पर हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डीवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन। जब गवर्नमेंट के हाथ में है एक्सचेंज रेट को फिक्स करना तो वहाँ पर डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन नहीं होगा। डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन तब होता है जब रेट एक्सचेंज रेट मार्केट के डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है कि भाई हमारी जैसा कि हमने एक एग्जांपल लिया चॉकलेट का कि हमारी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है तो एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, हमारी करेंसी की वैल्यू कम है तो एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो जाएगा। मैं इसको लिख के बताती हूँ, $1 = 70 रुपीज़, पहले हमारा ये था एक्सचेंज रेट, $1 = 74 रुपीज़, हमारी कंट्री की हमारी करेंसी की डिमांड कम है, हमारी करेंसी की डिमांड वैल्यू कम है, इसीलिए एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो गया।
यानी जब भी हमारी वैल्यू कम होती है एक्सचेंज रेट ज़्यादा होता है, वहीं पर जब हमारी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तब एक्सचेंज रेट कम हो जाता है, राइट। यानी कि ये जो एक्सचेंज रेट है ये किस पे डिपेंड हुआ, डिमांड पे, वैल्यू पे। तो या इस सिनेरियो में हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन, ये हो गया डेप्रिसिएशन, ये हो गया एप्रिसिएशन। लेकिन इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहाँ पर गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को फिक्स करती है वहाँ पर वैल्यू का कोई भी टॉपिक नहीं आता। तो अगर वैल्यू टर्म्स में नहीं लिया जा रहा तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन भी नहीं होगा, इसलिए हम बोलते हैं डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन। जब गवर्नमेंट हमारी करेंसी को कम करती है तो वो हो गया डिवैल्यूएशन, जब वो उनको करेंसी को बढ़ाती है तो वो हो गया रिवैल्यूएशन, राइट। अब यहाँ पे अगेन हमें डिफरेंस दे रखा है डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन, जो कि हमें समझ में आ गया। डेप्रिसिएशन डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, डिमांड फोर्स एंड सप्लाई फोर्स की वजह से चेंज होता है, यहाँ पर जो होगा वो गवर्नमेंट की वजह से प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगा। मीनिंग हमने ऑलरेडी कर लिया, एक्सचेंज रेट सिस्टम ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है और ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है, जैसा कि मैंने कहा। अब फ्लेक्सिबल की बात की तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम आ गया। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है एक्सचेंज रेट को फिक्स करने में। अगर डिमांड ज़्यादा है हमारी करेंसी की तो डिमांड ज़्यादा कब होगी, यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट पे आने से पहले एक हम चीज़ करते हैं। डिमांड हमारी करेंसी की कब ज़्यादा होगी, जब बाहर की कंट्री को इंडिया को पे करना रहेगा, राइट। इंडिया को बाहर की कंट्रीज़ पे कब करेगी, जब वो हमारे से गुड्स लेगी। यानी कि इंडिया का एक्सपोर्ट जब ज़्यादा होगा, इंडिया दूसरी कंट्री में अपने गुड्स को बेच रही है तो दूसरी कंट्री को इंडिया को पेमेंट करना पड़ेगा, और इंडिया किस में पेमेंट चाहेगी, रुपीज़ में। रुपीज़ में पेमेंट करने के लिए बाहर की कंट्रीज़ को क्या करना पड़ेगा, अपनी करेंसीज़ को रुपीज़ में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, यानी कि रुपीज़ की डिमांड ज़्यादा है। जब भी एक करेंसी की डिमांड ज़्यादा होती है यानी उसकी वैल्यू ज़्यादा है यानी कि वो करेंसी एप्रिशिएट होगा, राइट। वहीं पर उसका उल्टा, अगर डिमांड कम है तो वैल्यू कम है तो वो करेंसी डेप्रिशिएट होगी। यानी यहाँ पर जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं डेप्रिशिएट और एप्रिशिएट, वहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं आया, ऑटोमेटिकली हो रहा है। अगर हमारी कंट्री एक्सपोर्ट करेगी तो ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट हो जाएगा, अगर हमारी कंट्री एक्सपोर्ट नहीं करेगी तो ऑटोमेटिकली डेप्रिशिएट हो जाएगा। यानी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में करेंसी क्या होती है, डेप्रिशिएट एंड अप्रिशिएट। वहीं पर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में करेंसी क्या होगी, डिवैल्यू एंड रिवैल्यू। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम रिफर टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसीज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। द वैल्यू ऑफ करेंसी इज अलाउड टू फ्लक्चुएट फ्रीली होगा। रुपीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो एप्रिशिएट, रुपीज़ की डिमांड कम होगी तो डेप्रिशिएट। फ्रीली, जैसे जैसे डिमांड और सप्लाई बढ़ती और कम होती रहेगी वैसे वैसे करेंसी की रेट चेंज होती जाएगी, कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसके अंदर नहीं होता। और इस फ्लेक्सिबल को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहा जा सकता है। द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट, क्योंकि मार्केट में ही डिमांड सप्लाई होगा, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है एक्सचेंज रेट यहाँ पे मार्केट डिटरमाइन करता है, और फिक्स एक्सचेंज रेट में एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करता है। यहाँ पे डिफरेंस है, तो डिफरेंस जो हम कर चुके हैं वो ही है। मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहाँ पर मार्केट रेट, जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट फोर्स ही डिटरमाइन करेंगे, जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो डिमांड और सप्लाई से ही डिटरमाइन होगी, लेकिन उसके अंदर गवर्नमेंट इंटरवेन करती है, गवर्नमेंट बीच में आती है। सपोज़ अगर हमारी जो एक्सचेंज रेट है $1 इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़ चली गई, मतलब हमारा जो करेंसी है वो इतना ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गया कि हमें $1 के बदले में अब 100 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो इंडिया को बहुत दिक्कत होगी। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो गवर्नमेंट बीच में आती है, अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को यूज़ करके वापस से वो उसको मेंटेन करती है और 80 रुपीज़ तक लेकर आती है, ताकि हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट्स बढ़ते रहे,
ताकि एक्सपोर्ट्स कम ना हो और इम्पोर्ट्स ज़्यादा ना हो। तो ऐसी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता है और इस एक्सचेंज रेट को बोला जाता है मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। मैनेज मतलब कि यहाँ पर गवर्नमेंट भी मैनेज कर रही है, फ्लोटिंग मतलब फ्लेक्सिबल। अभी हमने ऊपर देखा फ्लोटिंग एंड फ्लेक्सिबल आर इंटरचेंजेबली यूज, तो यहाँ पर फ्लोटिंग है, एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग है लेकिन गवर्नमेंट उसे मैनेज कर रही है। सो इट रिफर्स टू अ सिस्टम इन विच द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स। डेफिनेटली यहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो मार्केट फोर्स डिटरमाइन करती है, लेकिन एंड द सेंट्रल बैंक जो हमारी रिजर्व बैंक है वो उसे इन्फ्लुएंस करती है बाय इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ हाइब्रिड ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर सेंट्रल बैंक है जो कि इंटरवेन करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है या फिर फ्लक्चुएट करती है प्राइसेस को। कैसे वो किस तरीके से मेंटेन कर पाएगी, बाय कीपिंग द रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू इंश्योर दैट द एक्सचेंज रेट स्टे विद द टारगेटेड वैल्यू। इसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है। डर्टी फ्लोटिंग क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट आके अपने ट्रिक्स यूज़ करके एक्सचेंज रेट को मैनेज कर रही है, इसीलिए इसको डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहा जा सकता है। सो यहाँ पर अपने हमारे जो तीन एक्सचेंज रेट सिस्टम है, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, वो हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज।